हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए ला रही हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का रिव्यू। हम इंडियंस ना बड़े ही बेवकूफ़ होते हैं, बाय गॉड। मतलब नाम में ही क्लू है फिर भी नहीं समझते। आई मीन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वर मेड टू ठग हिंदुस्तानीज। जी हाँ, ये वही मूवी है जिसने अपने ट्रेलर से बहुत ही धूम धड़ाका तो जरूर मचाया था, लेकिन दिवाली पर रिलीज होते ही वो मूवी बिल्कुल उसी बॉम्ब की तरह निकली जो कि आग लगाते ही फुस हो जाता है और अपने सारे फैंस की उम्मीदों पर रायता फैला दिया। रिलीज डे पर तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की काफी अच्छी कमाई हुई। आखिरकार द कास्ट वॉज मेड टू फुल ऑडियंस। टॉकिंग अबाउट द कास्ट, आमिर इज गुड, अमिताभ इज गुड, फातिमा इज गुड, एंड कैटरीना, या शी वॉज ऑल्सो देयर विद नकली पानी, नकली अंग्रेज, नकली जॉनी डेप, नकली ईगल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नकली स्क्रिप्ट। ताला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। अबे कहाँ गया अबे? और जैसे ही लोगों ने मूवी को देखा, मेम्स बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे कि आप जानते ही हैं, सोशल मीडिया पर मेम्स छाए रहते हैं। उसी के साथ मूवी का मजाक बनाते हुए मेम्स ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को भी नहीं बख्शा, जिस वजह से फिल्म कास्ट के फैंस तक उस फिल्म को देखना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, काफी लोग कंपेयर कर रहे थे बाहुबली से, आपको क्या लगता है? हमारे परफेक्शनिस्ट आमिर खान का ये दाव तो परफेक्ट के करीब भी ना पाया बॉस। कैटरीना कैफ, हमारी चिकनी चमेली, ने तो बस मूवी में एक बेहद ही खूबसूरत महिला होने के अलावा और ढुमके मारने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया। और इस बार तो ढुमके भी ऐसे मारे जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। और फातिमा शेख ने बैडली कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंस के अलावा कुछ भी नहीं करा। अब भाई, पूरी मूवी अमिताभ बच्चन और आमिर खान थोड़ी संभाल पाएंगे? आमिर खान के फैंस का तो ये कहना है कि आमिर खान ने ये मूवी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती है उनकी लाइफ की, सबसे बकवास पिक्चर देगी है उनके लाइफ की, सबसे थर्ड क्लास मूवी देगी। और मूवी का प्लॉट इतना ज्यादा स्ट्रेच किया गया है जितना तो शायद आप किसी च्युइंगम को भी नहीं कर सकते। अरे कोई है? अरे भगवान से डरो, जिंदा आदमी को यहाँ बंद कर दिया। अरे कोई है? ओ गुंगे दौरा हो गया क्या सब? ओ निकालो, निकालो मुझे यहां से, निकालो मुझे यहां से। ओ कोई है क्या? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक हिस्टोरिकल मूवी है। बस ये एक अच्छी चीज है अबाउट द मूवी जिससे मैं तो एग्री करती हूँ। आई मीन पूरी ऑडियंस को इस मूवी ने अपनी नानियां और परनानियां तो याद दिला ही दी ना। काश पिछले साल की जगह इस 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ होता ताकि हम ये मूवी देखने का सोच भी नहीं पाते। आखिर मोदी जी का डीमोनेटाइजेशन कुछ तो काम आता। एंड देयर आर सो मेनी लॉन्ग एम्प्टी एक्शन सीन्स इन द मूवी दैट द ऑडियंस कुड गो आउट, हैव जेन्युइन फन विद फ्रेंड्स, गो दिवाली शॉपिंग, दे कुड वॉक देयर डॉग्स, बेसिकली दे कुड डू एनीथिंग दे वांट एंड कम बैक टू द थिएटर। इवन देन दे विल फाइंड द कार्स फ्लाइंग फ्रॉम वन शिप टू अनदर लाइक निंजास एंड फाइटिंग लाइक साइंस नेवर एग्जिस्टेड। आई मीन कौन सी ग्रेविटी, कौन सी ज्योमेट्री? अपुन तो अपने हिसाब से चलेगा बॉस। मतलब राइटर्स और डायरेक्टर्स वो लाइक, अरे ऑडियंस तो पागल है, ऑडियंस को क्या समझ है? 10 अलग अलग मूवी लो, कुछ यहाँ से उठाओ, कुछ वहां से, और एक फुल पैकेज बना के बेच दो। आमिर खान और अमिताभ बच्चन को साथ रख दो, अपना बोनस तो पक्का। प्रस्तुत आ गया हूँ भगवान, घर जाना है, आप जो बोलेगा हम करेगा, बस हमका घरे पहुंचा दीजिए। प्लीज मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जा। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आप डाई हार्ट फैंस हैं कास्ट के, आई मीन उनके लिए लिटरली मरने को तैयार हैं, तभी ये मूवी देखें। कंसीडरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, मैं इस मूवी को दूंगी 1.5 स्टार्स। मैं एक ही देती, 0.5 इज शगुन। वो क्या है ना, दिवाली पर घर आए गेस्ट को हम खाली हाथ नहीं बेचते, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वॉच ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एट योर ओन रिस्क।